हेलो एवरीवन, मैं हरीश चौधरी आप सभी का एसएमएस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको कराया था सारडिक आवयू की थ्योरी कराई थी। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पिछली वीडियो देखा होगा आप सभी ने और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे क्वेश्चन करने में आपको समस्या आएगी। थ्योरी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार बोला था थ्योरी को अच्छे से समझ लेना चाहिए। थ्योरी अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चन आराम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं थ्योरी हो गई होगी, अभी थ्योरी देखने के लिए पिछले वीडियो जरूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर देख लें थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे आपको समस्या नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, इसका फर्स्ट रो कॉस 15 साइन 15, सेकंड रो साइन 15 कॉस 15, ये हमारा सारणिक है, कौन सा ऑर्डर का है? टू ऑर्डर का, यानी कि सेकंड ऑर्डर। इसका वैल्यू पूछा है तो हमने आपको सिखाया था कि इसका जो मुख्य विकर्ण होता है उसका अल्टरनेट करते हैं। मुख्य विकर्ण कौन सा हमारा? ये मुख्य विकर्ण है, इसका गुणा करेंगे cos 15 इंटू cos 15, उसका गुणा घटा देते हैं sin 15 इंटू साइन 15, कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन 15, ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस 2a, यानी कॉस 2 इंटू 15, यानी कि कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। राइट आंसर √3। क्वेश्चन नंबर दो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज फर्स्ट रो cos 25 sin 25, सेकंड रो sin 65 cos 65। इसका ऑप्शन दे रखे हैं हमें, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन √2, बी ऑप्शन √2, सी ऑप्शन 1, डी नन। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसका cos 25 इंटू cos 65 माइनस sin 65 इंटू sin 25। ये फॉर्मूला होगा हमारा cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है हमारा cos a प्लस b। क्या फॉर्म होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, ए गया 25 और बी गया 65, कितना हो जाएगा हमारा cos 25 प्लस 65, यानी कि cos 90। cos 90 वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी कि नन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज, डिटरमिनेंट रखा है फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड रो 1 1 + x 1, थर्ड रो 1 1 1 + y। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे में चर दे रखा हो, इसमें इसमें x x y दे रखा है, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तब भी तब से वैल्यू मान लेते हैं। क्या मानेंगे? x बराबर 1 माना, y बराबर 0 माना। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें अपने क्वेश्चन में, डिटरमिनेंट्स में, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 1 1 1, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया वैल्यू रखने के बाद। अब हमने क्या कराया था, हमने बताया था आपको जब भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। देखो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 0 रखने पर क्या हो रहा है? 0। तो यही वैल्यू हम ऑप्शन रखेंगे 1 + 0 1 1 - 0 1, जीरो इंटू वन 0। तो
हमारी वैल्यू कहाँ जीरो हो रही है, सी ऑप्शन पे, यानी हमारा ऑप्शन मैच कहाँ कर रहा है, सी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, ये साढ़े रखा है, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, साढ़े के हमारा फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकंड कॉलम वन वन वन, थर्ड कॉलम वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वन। इसका ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ये ऑप्शन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बी ऑप्शन एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकंड जीरो और थर्ड का वन। तो इस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अगर हम इसको वैल्यू मान करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा लेंथ, क्योंकि हम इसमें वैल्यू सेम मान वन नहीं मान सकते, एक्स बाई जेड तीनों की अलग वैल्यू माननी पड़ेगी हमको, क्या करना पड़ेगा तीनों की अलग अलग मानेंगे, जीरो वन टू भी मानते हैं तब भी थोड़ा लेंथ हो जाएगा, वन वन तो मान नहीं सकते, सेम मानेंगे तो ऑप्शन मैच कर जाएंगे हमारे, तो वन वन रखने पर ऑप्शन मैच हो रहा है, क्या करते हैं हम इसमें लगाते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन आपने सुना होगा सी वन, सी वन प्लस सी थ्री, यानी सी वन क्या रख देंगे हम, सी वन प्लस सी थ्री, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थर्ड करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वन 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 वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। इसमें से क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, वन 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 वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। हमारे दो कॉलम इसके सर्वसम हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। सी इसका सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। क्या किया हमने, सी वन के क्या किया हमने, सी वन प्लस सी थ्री जोड़ेंगे तो एक्स सी वन एक्स वाई प्लस जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई जेड, सेकंड प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई जेड, थर्ड जोड़ा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों सेम हैं, तीनों कॉमन ले लिया क्या बचेगा, वन वन वन, दोनों इसके स्तंभ कैसे हो गए, सर्वसम हो गए, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, जीरो। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करते हैं जीरो से खोलेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको करना जरूरी नहीं है, सेकंड से करेंगे माइनस, आगे माइनस आएगा क्योंकि क्या है ये टू वन, आई जी बल्कि आई जी कितना है टू वन है, फर्स्ट टू वन टू कितना हो रहा है थ्री, तो क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस टी माइनस क्यू, ये बन जाएगा और ये इसका भी होगा गुणा जीरो और माइनस क्यू माइनस आर आर माइनस पी, सेकंड प्लस पी माइनस आर, ये और ये चल जाएगा क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस जीरो, गुणा करेंगे इसका माइनस प्लस हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस आर आर माइनस पी प्लस पी माइनस आर क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू, ये क्यू माइनस पी माइनस की है, ये क्यू माइनस पी है, हम क्या करना है सेम करना है सबको, इसको माइनस ले लेंगे हम आगे, तो क्या हो जाएगा ये क्यू माइनस पी हो जाएगा, फिर इसमें आ रहा पी माइनस आर, ये हो रहा आर माइनस पी, तो इसको माइनस आगे लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी माइनस आर, क्या हो जाएगा पी माइनस आर, फिर इसका क्यू माइनस आ रहा है, इसमें आर माइनस क्यू आ रहा है, फिर माइनस लेंगे आगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा,
क्यू माइनस आर का क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू, क्यू माइनस पी, पी माइनस आर, आर माइनस क्यू। ये प्लस की है तीनों, ये माइनस की है, क्या हो गया कट के जीरो। क्या आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। ए प्लस बी, ए बी, ए ए प्लस सी, सी बी, सी बी प्लस सी। क्या करेंगे इसमें, ए बराबर वन, बी बराबर टू, सी बराबर थ्री मानेंगे, कितना हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री हो गया, इसका वन हो गया, इसका टू हो गया, इसका वन, इसका फोर, इसका थ्री, इसका हो गया टू थ्री और फाइव। तो सॉल्व करेंगे, थ्री पाँच सौ बीस, बीस माइनस नौ ग्यारह, बीस माइनस नौ माइनस वन, पाँच माइनस छ प्लस टू, तीन माइनस के आठ। सॉल्व करेंगे, थ्री इंटू इलेवन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस टू हो जाएगा इंटू माइनस के फाइव, तैतीस प्लस वन माइनस दस यानी चौंतीस माइनस दस यानी चौबीस, यानी ए बराबर वन, बी बराबर टू, सी बराबर थ्री मान लो, कितनी वैल्यू हमारी 24। तो हम ऑप्शन में वन टू थ्री रखेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 24 आनी चाहिए। तो इसमें रखते हैं फोर इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री चौके चौबीस, ए इज द राइट आंसर। चेक कर लेते फिर भी, ए का स्क्वेयर वन, टू का स्क्वेयर फोर, नौ चक छत्तीस का रखेंगे तो वन टू थ्री सिक्स, एज द क्या होगा इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वही तरीका, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर क्या मानेंगे जीरो, वाई बराबर वन और जेड बराबर, इसमें रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस टू थ्री, टू वन, टू टू प्लस जीरो टू और जीरो, वन जीरो वन। सॉल्व करेंगे इसको, थ्री इसको दबाते हैं दो, एक दो माइनस जीरो माइनस टू, टू माइनस जीरो प्लस वन, जीरो माइनस टू, ये हो जाएगा थ्री इंटू टू माइनस टू इंटू टू प्लस वन इंटू माइनस टू, ये हो गया सिक्स माइनस फोर माइनस टू यानी कि जीरो, यानी कि एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर वन और जेड बराबर टू रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो ऑप्शन रखेंगे तो ऑप्शन मैच होना चाहिए, जो ऑप्शन मैच हो जाएगा इस वैल्यू से वही इसका सही जवाब होगा। देखो एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। बाकी रखेंगे तो कोई जीरो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नाइन, इसमें क्या करेंगे, ए बराबर माइनस वन मानेंगे, वैल्यू रखेंगे माइनस वन की, ए बराबर माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन और माइनस टू, कितना बचेगा माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन और वन, इसका माइनस टू वन माइनस वन, माइनस वन टू प्लस वन प्लस वन, ये थ्री थ्री वन। सॉल्व करेंगे, पहले माइनस वन इसको छुपा लेंगे तो वन माइनस थ्री, इसको छुपाएंगे प्लस वन हो जाएगा
माइनस और माइनस वन, ठीक है, इसका माइनस वन और माइनस थ्री, प्लस वन माइनस थ्री और माइनस थ्री, ये हो गया माइनस टू, बचा माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, इसका माइनस फोर प्लस, तो माइनस फोर ये हो गया माइनस सिक्स, टोटल बचा माइनस का आठ, यानी ये माइनस आठ कितना आ रहा हमारा, माइनस आठ आ रहा था, ऑप्शन क्या आना चाहिए मेरा, माइनस आठ, तो माइनस वन ये माइनस टू की पावर कितना हो गया फोर, माइनस वन माइनस वन पावर क्यू, तो माइनस टू की पावर क्यू कितना हो गया माइनस एट, माइनस वन कितना हो गया टू, कौन सा ऑप्शन सही हमारा, बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए मानते हैं एक्स पावर क्या मानेंगे हम, माइनस टू, क्या मानेंगे एक्स पावर माइनस, फाइव रूट पर पुट करेंगे कितना हो जाएगा ये जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा सेवन, ये सिक्स, नाइन, सॉल्व करेंगे ये जीरो, इससे करेंगे माइनस वन, छब्बीस माइनस बयालीस प्लस थ्री, अठारह माइनस चौबीस, माइनस वन इंटू माइनस के माइनस के सोलह प्लस थ्री इंटू माइनस के छः, हो जाएगा सोलह माइनस के अठारह यानी माइनस दो, ये वाला माइनस कितना आना चाहिए माइनस दो, क्या हो गया हमारा राइट आंसर। माइनस वन की वैल्यू स्क्वेयर प्लस टू हो जाएगा थ्री, हो जाएगा वन माइनस टू माइनस वन, कौन सा ऑप्शन सी इसका, ए, ए इज द राइट आंसर।